Good afternoon, students. मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़. आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड साइकॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे. आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है. साइकॉन की सिस्टमेटिक पोजीशन. साइकॉन फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैल्केरिया, ऑर्डर हेटरोसिला के अंतर्गत आता है. फाइलम पोरीफेरा का जो करैक्टर है वो ये है कि इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में उनका शरीर पोरस होता है, छिद्रित होता है और शरीर के अंदर पानी के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए ये शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले छिद्र एक प्रवेश मार्ग के रूप में काम करते हैं. इस तरह के शरीर को पोरस बॉडी कहा जाता है. यह एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है. डिप्लोब्लास्टिक का आशय यह है कि इनका शरीर कोशिकाओं के दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है. पहली परत जो शरीर के बाहर की ओर होती है यह परत कहलाती है एक्टोडर्म, और दूसरी परत जो शरीर के भीतर की सतह पर होती है यह एंडोडर्म कहलाती है. तो जिन जंतुओं का शरीर कोशिकाओं के इन दो परतों से निर्मित होता है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है. क्लास कैल्केरिया. कैल्केरिया इसके नाम से लगता है कि इनका जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. साइकॉन के या स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले जो स्केलेटन होते हैं उनको स्पिक्यूल कहा जाता है. तो इनका जो स्पिक्यूल है वह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा निर्मित होता है. ऑर्डर हेटरोसिला. हेटरोसिला के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में उनकी जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जिन्हें कोइनोसाइट कहा जाता है ये उनके रेडियल केनाल तक ही सीमित होती हैं. अर्थात शरीर के भीतर की जो सतह होती है यह सतह एंडोडर्म कहलाती है और इसी एंडोडर्म पर जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं को कोइनोसाइट सेल या फ्लैजिलेटेड सेल कहा जाता है. तो ये फ्लैजिलेटेड सेल या कोइनोसाइट कोशिकाएं केवल रेडियल केनाल तक ही सीमित होती हैं. इसके अलावा ये अन्य किसी जगह पर नहीं पाई जाती हैं. जीनस जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है साइकॉन. साइकॉन के हैबिट और हैबिटेट के बारे में कुछ जानकारियां हम प्राप्त करते हैं. साइकॉन को सामान्य तौर पर अर्न स्पंज के नाम से जाना जाता है. साइकॉन ये मेराइन होते हैं अर्थात समुद्री जल में पाए जाते हैं. समुद्र में विशेष तौर पर उन स्थानों पर जहां पानी की जो डेप्थ होती है वो कम होती है या जहां पानी उथला होता है ऐसी जगहों पर ये साइकॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं. साथ ही साथ साइकॉन सिडेंटरी होते हैं. आजीवन किसी एक स्थान पर ये अटैच्ड होते हैं. समुद्र के उथले सतह पर जहाँ रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, गैस्ट्रोपोड के शेल्स होते हैं इत्यादि सॉलिड सबस्ट्रेटम पर ये आजीवन चिपके हुए या स्थिर होते हैं. एनिमल सॉलिटरी या कॉलोनियल होता है. सॉलिटरी का आशय यह है ये अकेला जीवन जीता है. अकेला जीवन का आशय यह हुआ कि ये साइकॉन है यदि अकेले ही किसी धरातल पर, ठोस धरातल पर समुद्र के अंदर चिपका हुआ है तो इस अकेली अवस्था को सॉलिटरी कहा जाता है. लेकिन कुछ दशाओं में इसी साइकॉन में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से इनके शरीर के बेस वाले भाग पर बड्स बनते हैं. ये बड्स
यदि अपने पेरेंट की बॉडी पर अटैच्ड होते हैं, आजीवन लगे हुए होते हैं, तो इस तरह इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और संख्या बढ़ने के कारण से यह एक समूह या कॉलोनी के रूप में प्रदर्शित होने लगता है। तो साइकॉन की इस सामूहिक अवस्था को कहा जाता है कॉलोनियल। तो साइकॉन सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनके शरीर में केनाल सिस्टम पाया जाता है और यह केनाल साइकॉन प्रकार का होता है। केनाल सिस्टम का आशय यह है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ केनाल इज नोन एज केनाल सिस्टम। तो इस केनाल सिस्टम की आवश्यकता जंतु को क्यों होती है? यह जंतु अपने शरीर के तमाम जैविक क्रियाओं के लिए पानी पर निर्भर रहता है और इसलिए यह अनिवार्य होता है कि जीवित अवस्था में साइकॉन के शरीर के अंदर पानी निरंतर प्रवाहित होते रहे। और पानी का जो प्रवाह होता है, यह प्रवाह एक निश्चित मार्ग से शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर से बाहर निकलते रहता है। तो उसी रास्ते को हम या उस व्यवस्था को हम केनाल सिस्टम कहते हैं। तो केनाल सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन साइकॉन का जो केनाल सिस्टम होता है वह स्पेशल होता है और इसे साइकॉन टाइप केनाल सिस्टम कहा जाता है। यह सबसे साधारण प्रकार का केनाल सिस्टम होता है। एनिमल फिल्टर फीडर होता है, अर्थात शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली पानी की धारा में उपलब्ध भोजन के कणों को यह छान करके ग्रहण करता है। इस तरह के जंतु को फिल्टर फीडर कहा जाता है। पानी में मौजूद जो स्मॉल या माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें भोजन के रूप में यह ग्रहण करता है। जंतु एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों विधियों से प्रजनन करने की क्षमता रखता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जंतु को अपने जैसे जंतु के सृजन के लिए, निर्माण के लिए गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट के संयोजन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट में डेवलपमेंट के उपरांत नए जंतु का विकास और निर्माण होता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एनिमल में जो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यह फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, पर निषेचन होता है, साथ ही साथ यह इंटरनल होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल होता है। ध्यान रखें कि साइकॉन में मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट का विकास या निर्माण एक ही साइकॉन के शरीर के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों तरह के गैमेट का निर्माण एक ही साइकॉन के शरीर के अंदर होता है। तो हर साइकॉन के शरीर के अंदर यह व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें स्वनिषेचन नहीं होता है। स्वनिषेचन का आशय यह है कि एक ही साइकॉन के शरीर के अंदर निर्मित मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन, यह फ्यूजन नहीं हो पाता है और इसलिए हम कहते हैं इसमें क्रॉस, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन नहीं होता है। तो साइकॉन यदि दोनों तरह के गैमेट को निर्मित कर रहा है तो क्यों इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है? उसकी वजह है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का आशय ये होता है कि साइकॉन में जो फीमेल गैमेट होती है, जो ओवा होती है, ये पहले परिपक्व हो जाती है और मेल गैमेट बाद में परिपक्व होते हैं, अर्थात दोनों के मैच्योरेशन टाइम में फर्क होता है, इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दूसरे साइकॉन के शरीर में निर्मित जो मेल गैमेट है वह किसी अन्य साइकॉन के शरीर के अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट के संपर्क में आता है और आकर के उसे निषेचित करता है, तब इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पर निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात डेवलपमेंट। जाइगोट में जो डेवलपमेंट होता है यह इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का आशय यह है कि यदि जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रियाएं होती हैं और उस प्रक्रिया के उपरांत अंत में
एक नए एनिमल का निर्माण होता है तब इस प्रकार के डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन साइकॉन के केस में जाइगोट से नए जंतु के निर्माण के पहले मध्य में एक इंटरमीडिएट अवस्था आती है और उसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज, और इसी लार्वा के कारण से, विकसित होने के कारण से इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यह जो लार्वा बनता है जाइगोट से, इस लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है, जो साइकॉन की विशेषता होती है। साइकॉन में रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, शरीर के किसी कटे हुए खोए हुए भाग को पुनर्जीवित कर लेना, उसे पुनः निर्मित कर लेना, ये साइकॉन की विशेष क्षमता होती है। और इसलिए हम कहते हैं कि साइकॉन में रीजनरेशन की ग्रेट पावर या अपार क्षमता होती है। आइए साइकॉन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। साइकॉन के शरीर का जो शेप होता है, शेप का आशय आकार से है। यहाँ पर साइकॉन के शरीर का चित्र आप देख रहे हैं। तो साइकॉन का जो शरीर होता है वो इलॉन्गेटेड होता है, लंबा होता है, साथ ही साथ यह बेलनाकार भी होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइकॉन के शरीर की जो चौड़ाई है वह कम है और साइकॉन के शरीर की लंबाई ज़्यादा है, अर्थात इसका शरीर इलॉन्गेटेड है, लंबा है, तथा यह बैरल के समान दिखाई दे रहा है, सिलेंडर के समान दिखाई दे रहा है, और इस तरह के शेप को सिलेंड्रिकल बॉडी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि साइकॉन के शरीर का जो अगला हिस्सा है, साथ ही साथ जो पिछला हिस्सा होता है, ये दोनों हिस्से मध्य भाग की तुलना में संकरे होते हैं और मध्य भाग काफ़ी वाइड होता है। आइए दूसरी संरचना के बारे में हम देखें कि साइकॉन जो है वो कॉलोनियल फॉर्म पर यदि होगा, एक से अधिक साइकॉन के जंतु यदि होंगे तो सारे के सारे साइकॉन ये आपस में एक कॉमन बेस पर ही जुड़े हुए होंगे। इन सब का जो बेसल स्ट्रक्चर है वो कॉमन होगा। आप चित्र में देख रहे हैं कि यह साइकॉन इस बेस से जुड़ा हुआ है, दूसरा साइकॉन उसी बेस से जुड़ा हुआ है, और ये तीसरा विकसित होता हुआ बड भी एक बेस से जुड़ा हुआ है। तो साइकॉन यदि समूह के रूप में या कॉलोनी की अवस्था में पाए जाते हैं तो वो सभी एक ही बेस पर या एक ही आधार पर जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर के शीर्ष भाग पर, एपेक्स पर, एक सुराख होता है और इस सुराख को ऑस्कुलम कहा जाता है। इस ऑस्कुलम के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेशित जल बाहर की ओर निकाला जाता है। ऑस्कुलम को घेरे हुए इनके मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरह की कंटिकाएं पाई जाती हैं, और ये कंटिकाएं एक सर्कल या एक घेरा इस ऑस्कुलम के चारों ओर बनाती हैं। इस रचना को ऑस्कुलर फ्रिंज कहा जाता है। साइकॉन के शरीर की बाहरी सतह पूरी तरह से परफोरेटेड होती है, उसमें अनेकानेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी पोरस होती है। तो शरीर की बाहरी सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन सभी सूक्ष्म छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं ऑस्टिया के माध्यम से शरीर के बाहर का पानी साइकॉन के शरीर के अंदर प्रवेश करता है और अंत में शरीर के अंदर वो निर्धारित मार्ग से घूमते हुए ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। साइज की जहाँ तक हम बात करते हैं, साइकॉन का जो शरीर होता है वो लगभग 3 इंच लंबा होता है, जिसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो लगभग 3 इंच होती है। कलर, साइकॉन अनेक कलर्स में पाया जाता है, यह ग्रे कलर से लेकर के ब्राउन कलर पर, और कुछ साइकॉन में शेड भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की पैचेस या धारियां भी पाई जाती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, साइकॉन की बाहरी संरचना जितनी सरल होती है, साइकॉन की अंदरूनी संरचना उतनी ही जटिल होती है। साइकॉन के शरीर के अंदर केनाल्स का एक व्यवस्थित तंत्र होता है और उस तंत्र को केनाल सिस्टम कहा जाता है। तो केनाल सिस्टम कई कंपोनेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है।
ये कंपोनेंट्स क्रमशः इस तरह से हैं, पहला ऑस्टिया, दूसरा इनकरेंट कैनाल, तीसरा प्रोसोपाइल, चौथा रेडियल कैनाल, पांचवा एपोपाइल और छठवां है स्पॉन्जोसील। ये सभी घटक मिलकर के संयुक्त रूप से कैनाल सिस्टम का निर्माण करते हैं और पानी इन्हीं कैनाल सिस्टम से गुजरते हुए शरीर से बाहर निकलता है। अंतिम भाग कहलाता है आस्कुलम, जहाँ से शरीर से पानी बाहर क्यों निकलता है। ये एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। इस चित्र में आप ये देखिए, ये स्पंज के शरीर का यदि हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, लंबाई पे उसका सेक्शन लेते हैं, ये सारी संरचनाएं जो कैनाल सिस्टम के घटक के रूप में होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। आइए हम इन संरचनाओं के बारे में इस चित्र पर अवलोकन करते हैं। पहली रचना यह ऑस्टिया कहलाती है। साइकॉन के शरीर पर बाहर की ओर जितने भी सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन सभी सूक्ष्म छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है और ऑस्टिया वे अपर्चर्स हैं जहाँ से शरीर के बाहर का पानी शरीर के भीतर प्रवेश करता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये एक विस्तृत चित्र है, यहाँ पर ये सुराख के रूप में ऑस्टिया प्रदर्शित किया गया है। यदि इस संयुक्त चित्र में हम देखें तो ये बाहर की ओर के ये खाली जगह जो हैं यही कहलाते हैं ऑस्टिया। तो ये ऑस्टिया ये सभी यहाँ पर होंगी जहाँ से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऑस्टिया को घेरे हुए कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पानी की प्रवाह की गति को नियंत्रित करती हैं। ऑस्टिया भीतर की ओर एक लंबे लेकिन सकरे केनाल में खुलती है। इस केनाल को इन करेंट केनाल कहा जाता है। इन करेंट केनाल यह बाहर की ओर से तो ऑस्टिया से संबंधित होती है, खुली हुई होती है, लेकिन अपने आधार पर भीतर की ओर यह पूरी तरह से बंद होती है। अर्थात पानी जो ऑस्टिया से इन करेंट केनाल में प्रवेश करेगा वह इन करेंट केनाल से नीचे की दिशा पे आधार की दिशा से नहीं जा सकता है और इसलिए इन करंट कैनाल अब एक छोटे से पोर्स के द्वारा जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से उपस्थित होती हैं उनके माध्यम से अपने पास के एकांतर क्रम में व्यवस्थित रेडियल कैनाल में खुलती हैं। तो इस पैसेज को कहा जाता है प्रोसोपाइल। तो प्रोसोपाइल आप देख सकते हैं ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो दो केनाल के बीच में, जिन्हें हम क्रमशः इन करंट केनाल और रेडियल केनाल कहते हैं, इन दोनों को जोड़ती हैं, इन्हीं पैसेज को कहा जाता है प्रोसोपाइल। इस प्रोसोपाइल के माध्यम से इन करंट केनाल में आया हुआ पानी रेडियल केनाल के अंदर प्रवेश करता है। चौथा है रेडियल केनाल। रेडियल केनाल को आप देखें, यह रेडियल केनाल भीतर की ओर से अनेक फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं के द्वारा स्तरित होती है, लाइन होती है और इन कोशिकाओं के जो फ्लैजिला होते हैं रेडियल केनाल में स्वतंत्र होते हैं। रेडियल केनाल की जो विशेषता होती है वो ये है कि यह रेडियल केनाल शरीर के बाहर की सतह की दिशा पर बंद होती है लेकिन अपने आधार पर यह खुली हुई होती है। इन करेंट केनाल के विपरीत इसकी व्यवस्था होती है और इन करंट केनाल तथा रेडियल केनाल ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कहने का आशय ये है कि इन करंट केनाल के बगल में रेडियल केनाल होगी, रेडियल केनाल के पश्चात पुनः इन करंट केनाल होगी और इन करंट केनाल के पश्चात पुनः रेडियल केनाल होगी। तो इन करंट केनाल और रेडियल केनाल के बीच में एकांतर क्रम की व्यवस्था होती है। रेडियल केनाल एक छोटे से व्यक्तिगत सुराख के माध्यम से एक बड़े से चेंबर में खुलती है और यह सुराख कहलाता है एपोपाइल। एपो का आशय होता है बाद में, प्रोसो का मतलब होता है पहले। तो एपोपाइल ये रेडियल केनाल के नीचे आधार की ओर स्थित छिद्र होती है जिसके द्वारा वह एक सेंट्रल चेंबर में खुलती है और इस सेंट्रल चेंबर को कहा जाता है स्पॉन्जोसील। ये यहाँ पर हमने स्पॉन्जोसील को प्रदर्शित किया हुआ है और यह स्पॉन्जोसील जो सेंट्रल चैम्बर के रूप में होती है यह भी नीचे की ओर से बंद होती है लेकिन अपने शीर्ष पर एक कॉमन सुराख के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और इस कॉमन अपर्चर को कहा जाता है ऑस्कुलम।
ऑस्कुलियम ये शरीर के बाहर की ओर पानी को निर्देशित करने का स्थान होता है, अपर्चर होता है, जबकि ऑस्टिया ये शरीर के सिलेंडर पर बाहरी सतह पर मौजूद छिद्र होते हैं जहां से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल को समझने के लिए हम इस तरह से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारे हाथों पे उंगलियां होती हैं, ये मान लीजिए उंगली है, हम इस तरह से बना रहे हैं, और ये उंगली, ये उंगलियां, और हर दो उंगली के बीच में आप देखेंगे ये खाली जगह होती है, ये खाली जगह है, ये उंगलियां हैं। उंगलियों पे हम इसको समझने के लिए बना लें, ये नेल्स है, नाखून यहां पर हैं इस तरीके से, तो दो उंगलियों के बीच में खाली जगह होती है। कल्पना करें कि दो उंगलियों के बीच ये जो बाहर से संबंधित क्षेत्र है या अपर्चर है, ये कहलाएगा ऑस्टिया, और ये ऑस्टिया भीतर की ओर, दो उंगलियों के बीच की जगह आप देखें, यह भीतर की ओर से बंद होती है इस तरह से। तो यह जो केनाल होगी ये केनाल कहलाएगी इन करेंट केनाल, आईसीसी, इन करेंट केनाल। उसके पश्चात दूसरी केनाल, आप इसके बगल में उसे आप देखिए, यह केनाल आपकी उंगली है, और आपकी उंगली का जो शीर्ष भाग है जहां पर नाखून होता है वो बंद होता है, लेकिन उंगलियों का जो आधार होता है वो भीतर की ओर खुला हुआ होता है, शरीर से संलग्न होता है, और इस केनाल को कहा जाता है रेडियल केनाल। तो समझने के लिए हम इसे उदाहरण दे सकते हैं। तो जो उंगली है वो रेडियल केनाल है, और दो उंगली के बीच की खाली जगह है वो इनकरेंट केनाल है। यह व्यवस्था एकांतर क्रम में होती है। साइकॉन में भी इसी तरह इनकरेंट केनाल और रेडियल केनाल परस्पर एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। जो इनकरेंट केनाल है यह रेडियल केनाल में एक छोटे से सुराख के द्वारा खुलती है, और इन्हीं सुराख को, क्योंकि इसके पार्श्व में होते हैं, इनकरेंट केनाल के पार्श्व में होते हैं, इन्हीं सुराखों को कहा जाता है प्रोसोपाइल। ये सुराख कहलाएंगे प्रोसोपाइल, और रेडियल केनाल, इसकी भीतर की दीवार पर अनेक फ्लेजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं। तो इनकी दीवार इस तरह से फ्लेजिलेटेड होती है। ये हुआ रेडियल केनाल, और रेडियल केनाल ये अपने आधार पर, क्योंकि शीर्ष पर तो ये बंद है, अपने आधार पर एक मार्ग के द्वारा, एक सुराख के द्वारा कॉमन चेंबर में खुलती है, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो इस ओपनिंग को, जो रेडियल केनाल और स्पॉन्जोसील के बीच में होती है, इस ओपनिंग को कहा जाता है एपोपाइल। ये एपोपाइल, तो एपोपाइल से पानी कहाँ आएगा, स्पॉन्जोसील में। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पॉन्जोसील है वो नीचे से बंद है, लेकिन ये ऊपर से खुली हुई है, और इस खुले हुए भाग को कहा जाता है ऑस्कुलम। तो जो भी पानी इस स्पॉन्जोसील में आएगा वो सारा का सारा पानी संयुक्त रूप से ऑस्कुलम से होकर के शरीर से बाहर भेज दिया जाएगा। तो उसकी विस्तृत संरचना को हमने इस चित्र के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। इस चित्र में आप देखिए, ये ऑस्टिया हुआ, ऑस्टिया के बाद इनकरेंट केनाल भीतर की ओर से बंद है, इनकरेंट केनाल प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल केनाल में खुल रही है, रेडियल केनाल की अंदरूनी दीवार फ्लेजिलेटेड है तथा यह बाहर की ओर से बंद है। रेडियल केनाल अपने आधार पर स्थित छिद्र के द्वारा, जिसे एपोपाइल कहते हैं, वह स्पॉन्जोसील में खुलती है, स्पॉन्जोसील नीचे से बंद रहती है, और वह अपने शीर्ष पर ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर संबंधित होती है। इस तरह स्पॉन्जोसील में आया हुआ पानी ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जंतु के शरीर में पानी इसी क्रम में प्रवेश करता है, और केनाल्स की इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही केनाल सिस्टम कहा जाता है। आइए विस्तार से हम इसको देखें कि जो ऑस्टिया होते हैं ये बॉडी की सतह पर स्थित होते हैं, इसलिए इनको डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। इनकी संख्या अनेकानेक होती है। ये ऑस्टिया इनकरेंट केनाल में खुलती हैं। इनकरेंट केनाल ये भीतर की ओर होती हैं।
तो वाटर जो बाहर की ओर है वो ऑस्टिया के माध्यम से इन करंट के नाल में प्रवेश करता है। आइए इन करंट के नाल के बारे में देखें। इन करंट के नाल ये नेरो होती हैं, साथ ही साथ ये बाहर ये अपने भीतर की सतह पर कुछ विशेष तरह की कोशिकाओं के द्वारा स्तरित होती हैं और इन कोशिकाओं को पिनेकोसाइट कहते हैं या इन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये इन करंट के नाल भीतर की सतह पर बंद होती हैं, तो बाहर की ओर ऑस्टियस के माध्यम से खुली हैं, जुड़ी हैं, और भीतर की ओर से ये बंद होती हैं इस तरीके से। तीसरा प्रोसोपाइल, इन करंट केनाल अपने बगल में मौजूद रेडियल केनाल से एक पैसेज या ओपनिंग के द्वारा संबंधित होती है और इसी ओपनिंग या पैसेज को कहा जाता है प्रोसोपाइल। चौथा है रेडियल केनाल। पहले भी हमने देखा कि रेडियल केनाल इन करंट केनाल के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। यह रेडियल केनाल भीतर की सतह पर फ्लैजिलेटेड सेल जिन्हें हम कोइनोसाइट सेल कहते हैं उसके द्वारा स्तरित होती है। रेडियल केनाल अपने आधार पर खुली हुई होती है और इस आधार पर मौजूद छिद्र को कहा जाता है एपोपाइल। एपोपाइल रेडियल केनाल स्पॉन्जोसील में जिस छिद्र के द्वारा संबंधित होती है खुलती है उस छिद्र को एपोपाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जोसील। जितने भी एपोपाइल हैं वो सारे के सारे एपोपाइल एक सेंट्रल चैम्बर में खुलती हैं। इस सेंट्रल चैम्बर को स्पॉन्जोसील कहा जाता है। यह स्पॉन्जोसील अपने आधार पर अर्थात नीचे की ओर बंद होती है जबकि अपने शीर्ष पर एक अपर्चर के द्वारा शरीर से बाहर संबंधित होती है, खुलती है और उस अपर्चर को ऑस्कुलम कहा जाता है। आखिरी कंपोनेंट है ऑस्कुलम। यह ऑस्कुलम प्रत्येक सिलेंडर के एपेक्स पर या शीर्ष पर उपस्थित होता है। साथ ही साथ यह ऑस्कुलर फ्रिंज जो कि मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल की श्रृंखला है उसके द्वारा एनसर्कल्ड होती है, घिरी हुई होती है और इसी ऑस्कुलम के द्वारा स्पॉन्जोसील में आया हुआ पानी बहते हुए शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये केनाल सिस्टम के संदर्भ में जानकारी हुई। आइए अब हम देखें केनाल सिस्टम की उपयोगिता क्या है। जैसा कि पूर्व में हमने कहा कि यह जंतु चूंकि जलीय होता है, समुद्री जल में पाया जाता है और इसलिए यह अपनी सभी जैविक आवश्यकताओं के लिए पानी पर ही निर्भर रहता है और इसलिए आवश्यक यह होता है कि जब तक साइकॉन जीवित होता है शरीर के अंदर पानी का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। तो शरीर के अंदर पानी के प्रवाह का जो मार्ग होता है उसे ही हम पाथ ऑफ वाटर कहते हैं और इसी को हम कोर्स ऑफ वाटर करंट भी कहते हैं। आइए पानी के प्रवाह का मार्ग साइकॉन के शरीर में कैसे निर्धारित है उसके संदर्भ में हम देखें, जहां से पानी प्रवेश करता है और शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के बाहर का पानी ऑस्टिया के माध्यम से इन करंट के नाल में आता है। इन करंट के नाल में आया हुआ पानी प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल केनाल में पहुंचाया जाता है। रेडियल केनाल के आधार पर जो एपोपाइल छिद्र होती है उस एपोपाइल के द्वारा पानी सेंट्रल चैम्बर जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं वहां पहुंचा दिया जाता है और स्पॉन्जोसील में आया हुआ पानी ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो पानी के शरीर के अंदर प्रवेश करने और उसके भ्रमण करने का मार्ग साइकॉन के शरीर के अंदर यही सुनिश्चित होता है और इसे ही हम साइकोनाइट टाइप केनाल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि साइकॉन के शरीर के अंदर पानी का प्रवाह कैसे शुरू होता है। पानी को शरीर के अंदर खींचने के लिए या वाटर करंट क्रिएट करने के लिए रेडियल केनाल में जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं ये जिम्मेदार होती हैं और रेडियल केनाल की जो भीतरी सतह पर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं उनमें जो फ्लैजिला होते हैं ये फ्लैजिला बड़ी तेजी के साथ गति करते हैं और इनके निरंतर तीव्र गति के कारण से पानी शरीर के अंदर ऑस्टिया के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वह इन करंट केनाल से रेडियल केनाल से
वह एपोपाइल के द्वारा होते हुए स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से होकर के आस्कुलम से शरीर के बाहर भेज दिया जाता है। तो पानी के प्रवाह की यह प्रक्रिया आजीवन एक जीवित साइकॉन के शरीर के अंदर जारी रहती है। आखिर साइकॉन के शरीर में केनाल सिस्टम से क्या क्या फायदे होते हैं, उनका क्या महत्व है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। साइकॉन के शरीर में जो केनाल सिस्टम है, ये मुख्य रूप से चार बिंदुओं के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है। पहला है न्यूट्रिशन। पानी की धारा जब जंतु के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उस पानी की धारा में भोजन के कण भी होते हैं और इन भोजन के कणों को जो कोशिकाएं होती हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं, वो कोशिकाएं ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और पकड़कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। अर्थात केनाल सिस्टम जंतु के पोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है रेस्पिरेशन या श्वसन। पानी की धारा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है और यह पानी जब केनाल सिस्टम से गुजरता है तो पानी में मौजूद घुली हुई ऑक्सीजन को इनकी कोशिकाएं विसरण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित कर लेती हैं और उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाती हुई पानी की धारा में छोड़ देती हैं। इस तरह केनाल सिस्टम साइकॉन में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया प्रमुखता से संपन्न करता है। उत्सर्जन। शरीर में जो भोजन के कण ग्रहण किए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग पूरी होने के उपरांत जो अनावश्यक या रेसिडुअल फूड बच जाता है, अपचित भोजन बच जाता है, उस भोजन को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो अपचित भोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर में बाहर जाती हुई पानी की धारा में छोड़ दिया जाता है, जो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का आशय यह है कि प्रजनन में केनाल सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले भी हमने बताया कि जो मेल गैमेट होती है, ओवा जो होती है, वो स्टैटिक होती है, साइकॉन के शरीर के अंदर पड़ी हुई होती है, उसमें किसी तरह की गति नहीं होती है। और जो मेल गैमेट होते हैं, ये मेल गैमेट गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें पूंछ होती है। तो साइकॉन में प्रजनन के लिए केनाल सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे ही मेल गैमेट केनाल सिस्टम में पानी की धारा के साथ प्रवेश करते हैं तो वह परिपक्व फीमेल गैमेट या ओवा के संपर्क में लाए जाते हैं और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया साइकॉन के शरीर के अंदर ही पूरी हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि केनाल सिस्टम साइकॉन में प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।